सरताज सर आपने मैं अपने YouTube चैनल पे बुलाई आपका धन्यवाद और थम सारे मैंने देखा हो थारा भी धन्यवाद हेलो एवरीबॉडी आई एम जस्ट सुपर हैप्पी टू बी हियर आई लाइक टू थैंक सरताज सर दैट यू हैव ब्रॉट मी ओवर हियर ऑन योर YouTube चैनल इज कोनिचिवा बताशिवा जानबी दिस ए योरोशिको ओनेगाई शिमास अरिगातो गोजाइमास हे गाइस वेलकम बैक टू सरताज क्लासेस यार आज की वीडियो बहुत मज़ेदार और आपको सुनकर सच में मज़ा भी आएगा और साथ साथ बहुत सारी मोटिवेशंस मिलेगी आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं ना कि इंग्लिश सीखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है और मैं आपसे कहता हूँ कि यार इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश हो जाएगी फिर आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आसपास कोई ऐसा माहौल नहीं है किससे बात करें आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूँ जिनके आसपास ऐसा माहौल नहीं था बहुत छोटी जगह से वो आती हैं और न सिर्फ वो इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस हैं सिर्फ अपनी इंग्लिश को लेकर कैसे उन्होंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की कैसे वो इतने सारे एक्सेंट्स बोल पाती है और इंग्लिश को वो एक ही स्टाइल में ही नहीं बल्कि कई अलग अलग एक्सेंट्स में स्टाइल्स में बोल पाती हैं आज मैं उनसे मिलवाऊंगा और उनका वो जो सीक्रेट है वो भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर आप अपने घर में बैठकर इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो और इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं बिना देर के डायरेक्टली मिलवा देता हूँ मैं आपको मेरे साथ हैं जानवी पवार हेलो एवरीबॉडी सो हैप्पी टू बी हियर थैंक यू सो मच सरताज सर फॉर हैविंग मी हियर मुझे आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसके लिए भी आपका बहुत बहुत थैंक यू थैंक्स टू यू जानवी कि आप इस ब्लॉग का एक पार्ट बनी है जानवी ये एक ब्लॉग अभी है और एक तरीके की एजुकेशनल वीडियो भी है और मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं किसी जो है इंसान के साथ हूँ जिन्होंने अपनी लैंग्वेज के दम पर अपना इतना ज्यादा नाम कमाया है सो जानवी डायरेक्टली बिना देर किए मैं एक क्वेश्चन पे आता हूँ कि आपने इंग्लिश कैसे सीखी वो सवाल है जो शायद पूरा इंडिया जानना चाहता है और काफी सारे लोग जानने चाहते हैं मेन इंग्लिश सीखने का मैं अगर हर किसी को बताऊं तो इंग्लिश को हम बार बार कहते हैं ना कि आप ये वाला रूल सीखो या फिर ये वाला रूल सीखो दिस इज इम्पोर्टेंट दैट इज इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ नहीं है आपने हिंदी कैसे सीखी फॉर एग्जाम्पल आपने जब हिंदी सीखी तो हिंदी सीखने के लिए आपने क्या किया अब आप क्या बोलेंगे वो तो हमारे एनवायरमेंट में थी हर कोई आसपास बोलता था अब मैं आपको बोलूँ कि आपको इंग्लिश भी उसी सेम वे से सीखनी है अब आपका क्वेश्चन होगा कि इंग्लिश उसी सेम वे से कैसे सीखें वो तो कोई एनवायरमेंट में बोलता ही नहीं नाउ अब मैं हरियाणा से हूँ मैं एक हरियाणवी गर्ल हूँ और मैं हरियाणा के एक बहुत गांव कंट्री साइड से आती हूँ काफ़ी छोटे से गांव से तो वहाँ पे तो इंग्लिश तो दूर की बात हम लोग हिंदी भी नहीं बोलते हम हरियाणवी बोलते हैं मेरी फैमिली में मैं खुद तो मैंने वहाँ पर रहकर कैसे सीखी मैं आपको बताती हूँ अब कोई बोलने वाला नहीं था तो आपको अपने आप से क्या करना है मैंने अपने आप को इंग्लिश से सराउंड कर लिया जैसे हम YouTube देखते हैं या फिर मूवीज़ देखते हैं या फिर कोई भी हम न्यूज़ देखते हैं तो हम वो सारी अपनी लैंग्वेज में देखते हैं करेक्ट तो अपनी लैंग्वेज में ना देखने की बजाय अब आप उन सारी चीज़ों को क्या करेंगे इंग्लिश में देखेंगे बेसिकली अपने आप को इंग्लिश से इतना सराउंड कर देना है कि आपके आसपास वही लैंग्वेज हो हाँ कॉन्वर्जेशन में आपके साथ कोई नहीं बोलेगा बट आप कुछ देख रहे हैं आप कुछ पढ़ रहे हैं आप कुछ सुन रहे हैं तो आपको वो वाली व्हाट यू ऑल हैव टू डू इज़ यू हैव टू ईट sleep and breathe English basically be obsessed with it that's it oh amazing ऐसे टिप्स कहाँ मिलती है भाई अच्छा जानवी एक चीज़ और बताइए बिकॉज आप बहुत अच्छी इंग्लिश स्पीकर हैं काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोलती हैं एक्सेंट का क्या रोल होता है मतलब मैंने इंग्लिश सीख लिया मुझे लगता है कि मैं लोगों से बात कर सकता हूँ विदेश जा सकता हूँ फॉरनर से बात कर सकता हूँ लेकिन क्या आपको लगता है कि एक्सेंट मायने रखता है क्योंकि आपको इंग्लिश का एक आदमी बल्कि कई एक्सेंट्स आते हैं सो प्लीज़ थोड़ा सा बताइए जी एक्सेंट का मैं अगर बताऊँ तो सबसे पहले तो मैंने एक्सेंट इसलिए सीखा क्योंकि मेरा एक इंटरेस्ट था मेरा एक पैशन था फिर उसके अलावा मैं जगह जगह पर जाती थी फॉर एग्जाम्पल दिल्ली के इंडिया गेट पर या फिर रेड फोर्ट पर तो मैं इन जगहों पर जाती तो यहाँ पे काफ़ी सारे फॉरेनर्स होते थे मैं प्रैक्टिस करने के लिए जाती थी कि मैं किसी से बोल सकूँ बिकॉज ऐसा ही सेट कोई प्रैक्टिस करने वाला था नहीं तो मैं इन जगहों पर जब जाती थी तो इनके साथ जब इंग्लिश बोलने में दिक्कत ही आती थी उनका एक्सेंट अलग होता था एंड आई वॉज लाइक अ 5-year-old गर्ल और मेरा एक्सेंट काफ़ी अलग होता था माई एक्सेंट वॉज काफ़ी ज़्यादा हिंदी प्लस हरियाणवी उनका एक्सेंट वॉज ऑल अमेरिकन ब्रिटिश जो भी जिस भी कंट्री से वो आते थे उनका वो एक्सेंट होता था तो शुरू में तो मेरे को इसमें इंटरेस्ट आया क्यूरियोसिटी आई फिर उसके बाद दिखा कि एक्सेंट के आगे जाके काफ़ी सारे जो हैं यू गेट बेनिफिट्स फ्रॉम इट सबसे पहले अगर आप सिर्फ अपनी कंट्री में रह रहे हैं सो इंडियन एक्सेंट दी बेस्ट एक्सेंट ऑलवेज सो नेवर चेंज दिस एक्सेंट बट अगर आपको ये एक्सेंट सीखना है तो आगे जाके इसमें इतनी सारी जॉब्स हैं आप जितने एक्सेंट सीखते हैं यू गॉट योर BPOs कॉल सेंटर्स जो रिक्रूटिंग कंपनीज होती हैं MNCs होती हैं और खासकर वो लोग जो वो स्टूडेंट्स जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं ऐसे IELTS करके TOEFL करके किसी और कंट्री में जाते हैं पर वहाँ पे वो लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते क्यों क्योंकि हमारी प्रोनंसिएशन कुछ वो लोग नहीं समझ पाते या फिर उनका एक्सेंट हम नहीं समझ पाते सो हैविंग अ बेसिक नॉलेज ऑफ अवर एक्सेंट हेल्प्स यू कनेक्ट विद द वर्ल्ड यू नो टॉकिंग विद अदर पीपल इन देयर एक्सेंट इन देयर वर्ल्ड व्हेन यू वांट टू लर्न समथिंग जब अगर आपको कुछ सीखना है तो उन्हीं के साथ उन्हीं की भाषा में बात करना इट्स हैव इट्स अदर
fun and you're going to become a local, you know, जब आपको वो सीखने की चाह होती है, so you always become a local. तो इसमें आगे जाके काफ़ी सारी चीज़ें भी हैं, एंड मायने हमेशा ये रखेगा कि आप जितना ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होंगे उतना ज़्यादा आप सीख भी पाएंगे. That's it. Well, जानवी, एक बात मुझे बताइए, बहुत सारे लोग मुझसे एक सवाल ज़रूर पूछते हैं. इंग्लिश के बहुत सारे एक्सेंट्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, अमेरिकन और ब्रिटिश, और भारतीय लोग ज़्यादातर अमेरिकन और ब्रिटिश पे फोकस करते हैं, तो कौन सा वाला एक्सेंट इंडियंस को बोलना चाहिए? ये सबसे पहले तो हर किसी के पर्सनल इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि किसी को लगता है अच्छा ये लोग ज़्यादा कूल बन के बोलते हैं तो हम ऐसा कुछ बोलते हैं, या फिर ब्रिटिश वालों लोगों को लगता है ओ प्रिटी सोफिस्टिकेटेड तो हम कुछ ऐसा करके बोलते हैं. बट इंडिया में हमेशा से ब्रिटिश एक्सेंट को फॉलो किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश रूल, ऑफ कोर्स दे कॉलोनाइज सोसाइटी. सो इंडिया में हमेशा से ब्रिटिश एक्सेंट को फॉलो किया जा रहा है, ब्रिटिश एक्सेंट को फॉलो करते हैं, तो आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में ब्रिटिश एक्सेंट के ही रूल्स हैं. सो इफ़ यू वॉन्ट टू ग्रास्प द इंडियन एजुकेशन सिस्टम लाइक ऑल ऑफ इट, देन I think people should follow British accent more. पर अगर आपको अमेरिका जाना है या फिर कैनेडा जाना है तो यू शुड फॉलो देयर एक्सेंट मोर, ताकि आपको उनकी प्रोनंसिएशन में, उनको समझने में और खुद को समझाने में कोई दिक्कत. हाँ, अब तो आपको जवाब मिल ही होगा, 10 बार मैंने भी बोला लेकिन अब जानवी ने बोल दिया है जो कि एक्सपर्ट है इंग्लिश में, सो ऑब्वियसली अब तो आपको यकीन हो जाओ, वो जाना चाहिए. जानवी, एक बड़ा सवाल है जो लोग अक्सर पूछना चाहते हैं, खासतौर पर जो इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं, लोगों से बात करना सीख रहे हैं, ग्रामर जरूरी है क्या? Never make that mistake. Grammar is not important to learn English. Please believe me, guys. Grammar हमेशा ज़रूरी कब होती है? ग्रामर मैं आपको बताती हूँ, जब आप कोई एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, या फिर आपका पर्टिकुलरली स्पेसिफिक ग्रामर का ही एग्ज़ाम होता है, दैट्स व्हेन ग्रामर इज़ नेसेसरी. पर इंग्लिश बोलने के लिए या फिर किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ग्रामर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल. क्यों नहीं है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जब हमने हिंदी सीखी तो हमने हिंदी सीखने के लिए कभी भी ग्रामर नहीं सीखी. ऑफकोर्स वो हमारे एनवायरमेंट में थी, और मैंने शुरू में ही इस वीडियो में बताया था, यू हैव टू सराउंड योर सेल्फ विद इंग्लिश. आपके एनवायरमेंट को लेकर नहीं, आप अपने एनवायरनमेंट को, जो आपके आसपास के जो सराउंडिंग्स हैं, आप उन्हें नहीं बदल सकते, लोगों को नहीं बदल सकते, पर आप अपना स्पेसिफिक एनवायरनमेंट बदल सकते हैं. तो उस हिसाब से आप जितना सुनेंगे, द मोर यू आर गोना रीड, आप बोलेंगे. अब बोलेंगे किसके साथ? आप खुद के साथ बोलेंगे, आप मोनोलॉग करेंगे, आप न्यूज़ देखेंगे, उस न्यूज़ को बोलकर देखेंगे, आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ सुनेंगे, यू रिपीट ऑल ऑफ दोज थिंग्स. तो उसके बाद आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का, ग्रामर के कौन से रूल कहाँ पर यूज़ होते हैं, तो आप जितना सराउंड करेंगे अपने आप को, आपको उतना ही पता लगता जाएगा कि अच्छा ये ग्रामर का रूल यहाँ यूज़ होता है. और आप ग्रामर पे ध्यान भी नहीं देंगे, इट्स ऑल गोना बी नेचुरल. सो डोंट फोर्स इट, डोंट यू नो जस्ट स्टिक टू ग्रामर रूल्स, क्योंकि आप अपने इन द बैक ऑफ योर माइंड आप इतना कंफ्यूज होंगे ना कि यहाँ पे वॉज लगाए, वर लगाए, विल लगाए, शैल लगाए. सो लेट इट बी नेचुरल, यू नो, सराउंड योरसेल्फ विद इंग्लिश एंड लेट ग्रामर फ्लो नेचुरली. अच्छा, ओके, जानवी, आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं काफी ज्यादा, यूट्यूब पे भी आपका चैनल है. Yes. और यूट्यूब पे आपके कितने फॉलोअर्स हैं? राइट नाउ आई हैव 9,70,000 फॉलोअर्स. गो एंड फॉलो मी गाइस, थैंक यू वेरी मच. ऑब्वियसली और एक हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है 1 मिलियन की, तो इस हिस्ट्री का पार्ट बनने के लिए अभी के अभी जानवी के यूट्यूब चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको लगे कि यार जानवी के जब 1 मिलियन होने वाले थे मैंने जाकर सब्सक्राइब किया था. लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ साथ यहाँ ऊपर भी आप आइकन देख रहे होंगे, सर्च कीजिए जानवी पवार और आपको ढेर सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे. और साथ साथ जानवी को आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी. जानवी, लास्ट में जाते जाते एक चीज़ बोलूंगा, अपना कमाल का एक्सेंट मुझे सुना दो, जिसे देखकर सुनकर ना बॉडी में एकदम पुरपुरी सी आ जाती है. बहुत अच्छा आप बोलती हैं, इतनी ज़्यादा आपकी बॉडी में एनर्जी है, सो प्लीज़ एक बार वो वाला एक्सेंट और चंद शब्द ऑडियंस के लिए. ऑल राइट, ओके, स्टार्टिंग विद द ब्रिटिश एक्सेंट फर्स्ट. हेलो एवरीबॉडी, आई एम जस्ट सुपर हैप्पी टू बी हियर. आई लाइक टू थैंक सर थॉट सर दैट यू हैव ब्रॉट मी ओवर हियर ऑन योर यूट्यूब चैनल, एंड दिस इज लाइक माई फर्स्ट एवर कोलैब, सो आई एम ऑल्सो सुपर ग्रेटफुल फॉर दैट. अमेरिकन, हेलो एवरीबॉडी, आई एम जानवी पवार, and I just want to say how grateful I am for all of you. And what I want you people to do is that you gotta surround yourself with English to learn English more and to be fluent in English more. RP, receive pronunciation. Hello everybody, I'm Janvey, and I just want to say that I'm so grateful for each single one of you, and of course I'm going to be more if you're going to go and subscribe my YouTube channel, eh? Okay, Australian, hello, I'm Janvey, and all I want to say is that just go over to my YouTube channel and search. So thank you very much. And people, whatever I've said today, make sure you all follow all of these things. Scottish. Hello everybody, I'm Janvey, and I just want to say that I'm super grateful that you all are watching me right now. And thank you, Sartaj sir, for having me. And Cockney. Hello mate, I'm Janvey, and I just want to say how super grateful I am to be here, and go and subscribe to my YouTube channel, eh? Just give it a little subscribe, yeah? And French, salut, je m'appelle Janvey, Quatre onze a, merci beaucoup. Japanese, konnichiwa, watashiwa Janvey desu. Yoroshiku onegai shimasu, arigato gozaimasu, Haryanvi.
सरताज सर आपने मैं अपने YouTube चैनल पर बुलाई, आपका धन्यवाद। और थम सारे मेरे देखा हो थारा भी धन्यवाद, और बस धन्यवाद, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। वाओ, उस लड़की समझने की भूल मत कर देना। देखा क्या जबरदस्त एक्सेंट है और कितनी अच्छी पकड़ है लैंग्वेज पे। और भाई बेस भारत का है, ऑब्वियसली हरियाणवी है तो कुछ तो करना ही है ना। थैंक यू सो मच जानवी सरताज क्लासेस बनाने के लिए, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। सो गाइस जानवी को फॉलो कीजिएगा और साथ साथ सरताज क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए। टेक केयर, बाय।